हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा सो पहले हम इसका मीनिंग दैन फ्लो चार्ट और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कंटिन्यू को कैसे यूज करते हैं ओके okay, कंटिन्यू हम लूप्स में यूज करते हैं अगर लूप्स में कोई भी आइट्रेशन को हमें कंटिन्यू करना होता है तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं बट अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू का एक्चुअली में मीनिंग क्या है ओके कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा इज यूज टू स्कीप द करेंट आइट्रेशन ऑफ ए लूप एंड मूव टू नेक्स्ट आइट्रेशन It can be used to bypass a part of loop's body based on a condition, helping to control flow of the loop. So, its main is skip current iteration of the loop and move to the next iteration. तो स्किप द करंट हाइट्रेशन मतलब जैसे ही हमारे कोड में कंटिन्यू का कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही मिलता है हम हमारे जो करंट हाइट्रेशन होता है हम इसको पूरा स्किप करते हैं एंड नेक्स्ट हाइट्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं इट कैन बी यूज टू बाईपास तो हम बाईपास करते हैं पार्ट ऑफ द लूप्स बॉडी तो अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर लूप की बॉडी को बाईपास करना है या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही स्किप करना है वैसे सारी कंडीशन में हम कंटिन्यू यूज करते हैं ओके okay, अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कंडीशनल लूप यहां पे कोई भी लूप हो सकता है फॉर वाइल या डू वाइल कोई भी लूप हम यहां पे यूज कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू करके एक ये आएगा एक डिसीजन आएगा कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना कंटिन्यू करना है तो वो क्या करेगा वापस लूप को एग्जीक्यूट करेगा बट अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो जो बाकी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन वो वापस इसमें जाएगा कंडीशन लूप में जाएगा एंड वो जब तक तो वो फॉल्स ना हो वो एग्जीक्यूट करते रहेगा कंटिन्यू की वजह से हमारे कोड का कभी भी नॉर्मल फ्लो यानी वो जो है ये फ्लो, जो फ्लो है वो टर्मिनेट नहीं होता बस फ्लो स्किप हो जाता है बट हम जब ब्रेक देखे थे लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक देखा था वहां पे हम पूरा जो पूरा हम लूप से बाहर आते थे जैसे ब्रेक एनकाउंटर होता था बट जैसे कंटिन्यू एनकाउंटर होता है हम उस स्पेसिफिक आइट्रेशियन को ही स्किप करेंगे पूरा कोर्ट स्किप नहीं होने वाला ये आप एक एग्जाम्पल में जरूर पता चल जाएगा बट समझने के लिए है इतना कि अगर कंटिन्यू होगा तो ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड वापस लूप को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो एक पर जो ये एग्जीक्यूट है ना वो नहीं हो पाएगा ओके okay, ये शायद आप कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ तो अब आपको समझ जाएगा हमने मीनिंग देखा फ्लो चार्ट देखा अब हम इसका एक एग्जाम्पल दे, देख लेते हैं ओके पब्लिक क्लास एग्जाम्पल तो हमारे क्लास का नाम है एग्जाम्पल पब्लिक वर्ड मीन स्ट्रिंग आर्स तो यहां पे हमने एक फॉर लूप लिया है फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन आई इज लेस देन टेन आई प्लस प्लस एंड ऑफ आई मॉड्यूलोर टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो अदरवाइज कंटिन्यू अदरवाइज व्यूवर प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई तो यहां पर एक्चुअली हो क्या यहां पर एक सिंपल फॉलोअप है और यहां पर यह है अगर आपने ऑड या इवन नंबर का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये स्टेटमेंट से फेमलियर होंगे मतलब अगर हम आई की वैल्यू को टू से डिवाइड करेंगे अगर उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर आता है इसका मतलब वो क्या वो नंबर ईवन हुआ अगर ऐसा होता है तो क्योंकि ईवन नंबर ही टू से डिवाइड होकर जीरो लाते हैं ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे वन आए यहाँ पर यहाँ पर जीरो नहीं आएगा यहाँ पे कोई और नंबर आएगा बट ऑड में हमेशा जीरो आएगा तो अगर ऑड इवन के क्वेश्चन में जरूर ये वाला स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो अगर ये इक्वल टू जीरो है तो कंटिन्यू होगा यानी अगर हमारा नंबर इवन नंबर आता है तो वो हम कंटिन्यू कर देंगे अदरवाइज हम उस नंबर को प्रिंट करेंगे यानी अगर हमारा ऑड नंबर होगा तो हम उसको प्रिंट करेंगे अब आई की वैल्यू है वन वन मॉड्यूलो टू इक्वल इक्वल टू जीरो यानी अगर वन को हम टू से डिवाइड करेंगे क्या हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा ऑफकोर्स नॉट क्योंकि वन ऑड नंबर है वो टू से डिवाइड करके कभी जीरो नहीं ला सकता तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा इस इंडेन्डेशन के अंदर नहीं जाएगा एंड डायरेक्टली यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा हमारी आई की वैल्यू है वन ओके okay, यहाँ पे हमारा वन प्रिंट हो जाएगा अगेन जाएगा और वन को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा दैट इज टू आई इज लेस देन टू ऑफकोर्स आई की वैल्यू वन है तो तो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देगा वो टू हो जाएगा अब टू डिवाइडेड बाई टू अगर टू को हम टू से डिवाइड करेंगे कि हमारी वैल्यू जीरो आएगी ऑफकोर्स आएगी वो जीरो लाएगा तो इसके अंदर जाएगा और देखेगा कि कंटिन्यू एनकाउंटर हो रहा है जैसे ही कंटिन्यू एनकाउंटर होगा वो क्या करेगा यहाँ पे नहीं आएगा वापस ऊपर चला जाएगा वो आइट्रेशन को पूरा स्किप कर देगा यानी जो हमारे टू है ये कहीं प्रिंट ही नहीं होगा ओके okay, एंड वापस अब जाएगा और देखिएगा टू इज लेस देन टेन सही है उसके बाद टू प्लस वन हो जाएगा थ्री अब थ्री मॉड्यूलर टू इक्वल इक्वल टू जीरो नहीं क्योंकि थ्री कभी टू से डिवाइड हो नहीं सकता होगा तो कभी जीरो वैल्यू ऑफ़ ऑफकॉर्स नहीं आएगा तो इसके अंदर अगेन नहीं जाएगा और यहां पे देखिएगा आई को प्रिंट करे तो हमारे यहां पे थ्री प्रिंट हो जाएगा ओके ऐसी हो जाएगा फोर अब फोर यहां पे ऐड वन हो होकर हो जाएगा फोर अब फोर को हम टू से डिवाइड करेंगे ऑफ को हमारी वैल्यू जी, जीरो आ सकती है तो वो वापस कंटिन्यू कर देगी यानी फोर भी हमारा प्रिंट नहीं होगा एंड विद इन फाइव प्रिंट हो जाएगा एंड देन अगेन सिक्स भी प्रिंट नहीं होगा और सेवन प्रिंट हो जाएगा एट प्रिंट नहीं होगा नाइन प्रिंट हो जाएगा एंड uh, फिर जब वो इलेवन हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो टेन से कम है तो वो इतना प्रिंट नहीं होगा तो इतने नंबर हमारे इसमें प्रिंट हो जाएगा तो कंटिन्यू का बेसिकली मतलब यही है यहाँ पे इवन नंबर जब जब आ रहा था वो क्या कर रहा था इस पार्ट को पूरा स्किप कर रहा था वापस लूप के स्टार्टिंग में जा रहा था तो इसका यही यूज है वो क्या करता है बस आइट्रेशन स्किप करता है ओके आई होप आपको ये समझ, समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर किया अगर आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं एंड मैंने चैनल का पूरा प्ले लिस्ट जावा का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल थैंक यू